ड्रॉप शिपिंग का जी ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम जो है बेसिक से लेके ड्रॉप शिपिंग की तमाम डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमने देखना है अमेज़न ई कॉमर्स क्या होता है, इनकी स्टार्ट की कुछ टेक्नोलॉजीज देखनी है, रिसर्च टूल्स देखने हैं और फर्क देखना है ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल और होलसेल। थोड़ा सा कॉल्टीवेट कॉमर्स के मतलब बता दें कि हम यहाँ पे इन डेप्थ ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ठीक है, और उसके रिलेटेड तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स या अमेज़न की मॉडल्स क्या हैं, तीन तीन मॉडल्स हैं बेसिकली अमेज़न पे काम करने के बिजनेस मॉडल्स। जो है कहीं भी ई कॉमर्स में काम करें तो बेसिकली तीन इन्हीं तीन मॉडल्स में काम होता है। तो इनको ई कॉमर्स के मॉडल्स या अमेज़न के मॉडल्स भी आप कहेंगे। पहला है जी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ये होता है, ये जो है मॉडल आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें ये होता है कि आप अपने गुड्स जो है एज सेलर या एज ए सेलर बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो अमेजोन मॉडल जो है सेलिंग मॉडल्स में प्राइवेट लेबल में ऐसा होता है कि आप एज ए सेलर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं और प्रोडक्ट्स अपने नाम से अपना ठप्पा लगा के अपनी मोहर लगा के अपने जो है ब्रांड की मोहर लगा के बेचते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। दूसरा है जी होलसेल मॉडल। होलसेल में ऐसा होता है कि आप किसी बड़े ब्रांड के बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके उनको रीसेल करते हैं, ठीक है, ये बहुत आम है मॉडल। अगर आप यहाँ पे मिसाल लेना चाहे तो कोक है, पेप्सी है, लोग इनकी फ्रेंचाइज लेते हैं या इनकी जो है वो होलसेल ले लेते हैं, ठीक है, तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नाम जो है वो जो है डालडा का यूज होता है, कोक या पेप्सी का यूज होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं होलसेल मॉडल, जिसमें एज ए मिडल मैन काम करते हैं कि जो है कंपनी से ब्रांड से चीजें लेके आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तीसरा मॉडल है जी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है कि ये थोड़ा सा होलसेल से मिलता है और जो है प्राइवेट लेबल से नहीं मिलता है बिल्कुल भी। इसमें ऐसा करते हैं आपके अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ पे चीजें आपको चीप मिल रही हैं और एक जगह पे वो महंगी भी बिक रही हैं, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो है वो उसको फाइंड करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में आप नेट पे अमेजोन पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी प्राइस में सेल हो रही हैं और वो किसी और जगह से, फर्ज करें ईबे से या वॉलमार्ट से या किसी भी और वो सोर्स से या प्राइवेट सोर्स से वो सस्ती मिल रही हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं बगैर इन्वेंट्री परचेज किए हुए, बगैर जो है आप इन्वेस्टमेंट किए हुए। जैसे ऑर्डर होता है आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं पीछे से अपने सप्लायर से ताकि वो उनको डायरेक्ट शिप कर दे। इस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि आपने डायरेक्ट ही जो है वो सप्लायर और जो आपका परचेजर है बायर है उसको कनेक्ट करवा दिया और दरमियान में अपना कमीशन ले, ठीक है, तो जो है आर्बिट्राज बेसिकली है इसको, जो है इसको रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं और इसको ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। अच्छा, तो ये तो एज ए सेलर मॉडल। तो हम इस ई कॉमर्स मार्केट को अप्रोच किस तरह से करते हैं, हम एज ए वीए या एज ए फ्रीलांसर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को, हम लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं ये जो है स्किल्स सीख के। दूसरा है एज ए वर्किंग इन्वेस्टर, हम खुद सीखें, खुद काम करें, अपने पैसे हैं अगर आपके पास तो खुद सीख के खुद अपने जो है इन्वेस्टमेंट से इस पे काम कर सकते हैं। और जो है लास्टली इसमें जो मॉडल है वो है कि आप नॉन वर्किंग इन्वेस्टर हों, आप सोली जो है प्योरली एज ए इन्वेस्टर काम करें, आप जो है वो ट्रेन स्टाफ रखें, पूरा सिस्टम बनाएं और उसको चलाएं, ठीक है। तो ये तीन जो है आपकी जो है बिजनेस को अप्रोच करने के तरीके हो सकते हैं, एज ए सर्विस प्रोवाइडर या जॉबियर, दूसरा एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा जी, तो ड्रॉप शिपिंग के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी मॉडल से, ठीक है। पहले तो ये कि इसमें इन्वेंट्री कोई नहीं होती, आपने लिस्टिंग है बेशक 1000 की हो, 500 की हो, 2000 की हो, आप फिजिकल इन्वेंट्री कोई नहीं होती, आपने जो है तमाम चीजें ऑनलाइन ही परचेज करनी है और ऑनलाइन ही जो है ना आप अपने जो बायर है उसको शिप करवा देनी है, तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कोई नहीं होती। तो जैसे आपको ऑर्डर आता है आप आगे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं ताकि जो आपका जो सप्लायर है वो शिप कर दे आपके बायर को। दूसरा है जी कि इसमें नंबर ऑफ लिस्टिंग्स जो है
इसमें जो नंबर ऑफ आपकी लिस्टिंग्स है वो हाई होती है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हाई होती है प्राइवेट लेबल या आपके होलसेल से के मुकाबले में। प्राइवेट लेबल में उमन एक दो लिस्टिंग होती है, तीन लिस्टिंग होती है, उन्हीं पर लोग काम करते हैं, उसको जो है बिल्ड करते हैं। होलसेल में भी लिमिटेड होती है, 10-15-20 हो सकती है, 50 हो सकती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जो सेलर्स हैं वो 50-100 आराम से क्रॉस कर जाते हैं नंबर ऑफ लिस्टिंग्स। तो इसमें नंबर ऑफ लिस्टिंग ज्यादा होती है। अच्छा, फोर्थ है जी कि इसमें सेलर फुलफिल्ड मॉडल होता है। सेलर फुलफिल्ड मॉडल FDM जिसको हम कहते हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो सेलर फुलफिल्ड मॉडल जो है इसमें ऐसा होता है, दो तरह के मॉडल होते हैं ई कॉमर्स में या अमेजोन में। एक वो होता है कि हम अमेजोन के पास अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स रखवा देते हैं और अमेजोन खुद उनको पिक पैक और शिप करता है, ठीक है, ये प्राइवेट लेबल में और होलसेल में FBA ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, FBM भी होता है लेकिन उसकी रेशो कम है, उसकी मिकदार कम, जबकि ड्रॉप शिपिंग में टोटली 100% आपका तकरीबन 99% FBM मॉडल ही होता है। FBM ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी है एज ए सेलर कि आपने गुड्स बायर तक पहुंचानी है, अमेज़न की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, फिफ्थ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको प्राइवेट लेबल से आपको डिफरेंशिएट कर रहा है, इसमें कंटिन्यूस प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट इसकी रिसर्च जो है वो रुकती नहीं है। आपने एक जो है लिस्टिंग लगाई, उसने 2-4 दिन हफ्ता काम किया, उसके बाद फिर और लगाई, तो इसमें मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च का काम होता रहता है। छठा ये है जी कि ये थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव जो है ना ये बिजनेस मॉडल है, इसमें आपको काम करना पड़ता है, आपने जो है ना आप या आपके एम्प्लॉइज को मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऑर्डर्स लेने हैं, फिर आपके ऑर्डर प्लेस करने हैं, जब वो आएंगे ऑर्डर शिप हो जाएंगे तो उनका ट्रैकिंग नंबर होता है वो प्लेस करना है, कोई कस्टमर ने कोई मैसेज किया कि मुझे ये नहीं मिला या ट्रैकिंग ठीक नहीं है या कोई भी बात है तो उसको रिप्लाई करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ये जो है टाइम टिपिंग जो है प्रोसेस है, ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसको 5-6 घंटे डेली के देने पड़ते हैं, इससे कम पे सही तरीके से ड्रॉप शिपिंग नहीं होती जब ये स्टार्ट में रनिंग में आ जाता है। लास्ट चीज इसकी है कि इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, वो क्विक है, स्केलेबिलिटी इसकी ज्यादा है दूसरे मॉडल्स की निस्बत, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट लेबल किया हुआ है, आपके पास और पैसे हैं, आप उसको स्केल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, फिर सोर्स करेंगे, फिर आपके पास पहुंचेगी, फिर उसके बाद वो लॉन्च होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये जो है ड्रॉप शिपिंग में है तो क्विक आप उसको क्विकली स्केल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे और आए हैं आप और लिस्टिंग जो है करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट फंड करके रिसर्च करके उनको लिस्ट कर दें, तो जो है क्विक इसकी स्केलेबिलिटी है दूसरों की निस्बत। ये तो जी जरा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, अब आ जाते हैं जरा अमेजोन की जो है टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो हमें इस कोर्स में काम आएंगे, स्टार्ट से हम बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। स्टार्ट में आप जो है खोलते हैं amazon.com, तो ये मैंने amazon.com ओपन किया, तो इस तरह से आपको ये शो होगा और यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको डिलीवरी एड्रेस कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ पे मंगवाने हैं। तो amazon जो .com है ये है USA के लिए, .co.uk है वो UK के लिए, तो जहाँ की मार्केट प्लेस हो वहीं का आपने शिपिंग एड्रेस डालना है। तो मुझे डिलीवरी जो है पाकिस्तान में नहीं चाहिए, मुझे डिलीवरी चाहिए US के अंदर ही, तो US की डिलीवरी के लिए आप एड पे सर्च कर लें USA जिप कोड, ठीक है जी, मैंने वो सर्च करके रखा हुआ है, देखें ये काफ़ी सारे हैं, बल्कि मैं इधर से लगा लेता हूँ, ये कैलिफोर्निया का लगा देते हैं जी, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये कोड एंटर किया और ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब ये आ गया कि आपने डिलीवरी यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं, तो इससे जो है फर्क पड़ जाता है, आपकी जो लिस्टिंग शो होती हैं वो जो है पाकिस्तान में डिलीवरी बहुत कम जो है वो करते हैं, ठीक है, वो सेलर्स, तो इस वजह से हमें यहाँ पे चेंज करना जरूरी है, या हमें जो है जरूरी चेंज करना, ये मैंडेटरी है। अच्छा, यहाँ पे सारी डील्स वगैरह जो बेस्ट सेलर्स अमेज़न बेसिक्स आ रहे हैं, ये जो है सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं और इसको सर्च करते हैं, तो शूज सर्च करके मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये शूज की कैटेगरी में ये तमाम लिस्टिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस पेज को हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है जी, SERP सर्प कहते हैं इसको, इसमें ये जो रिजल्ट्स हैं शूज से जो है रिलेटेड ये अमेज़न दिखा रहा है, ठीक है, ये मुख्तलिफ सेलर्स हैं, इनकी मुख्तलिफ जो है लिस्टिंग्स हैं, तो किसी भी लिस्टिंग पे मैं इसको क्लिक करता हूँ,
अब ये इसका इस प्रोडक्ट की डिटेल जो बनोगी, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं आपके जानने वाली। ये स्टार्ट में ऊपर है, इसका टाइटल है, ठीक है जी। ये जो है स्टोर का नाम है, ब्रांड का नाम है, ये कौन बेच रहा है, जो है ब्रांड का नेम है। अच्छा, ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये जो है ये इसकी कैटेगरी है, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। साइज के लिहाज से इसकी प्राइस 50 से 100 के दरमियान है। फिर ये साइजेस हैं जो आपने सेट करने हैं। इसकी ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसके इमेजेस आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये किसने मैन्युफैक्चर की, इसकी आइटम की डिटेल्स क्या है, इसका वेट कितना है, ये कब से बिक रहा है, इसका जो है मैन्युफैक्चर कौन है। अच्छा, नीचे एसिन नंबर, ये बात नोट करने वाली है आपकी। एसिन क्या होता है? एसिन जो है नंबर हर प्रोडक्ट को अमेजोन एक यूनिक नंबर जो है ना वो उसको देता है, जिसको हम एसिन नंबर कहते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए जो है इस तरह का यूनिक नंबर होता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो एसिन नंबर से करते हैं, तो ये यहाँ पे एसिन नंबर लिखा होता है। इसके अलावा ये एसिन नंबर आपका इसकी यूआरएल के अंदर भी होता है। ये देखें, ये डीबी के बाद हमेशा यहाँ पे ये एसिन नंबर और ये एसिन नंबर, ये सेम है, ठीक है जी। ये अच्छा, फिर इसके बाद ये आ जाता है बेस्ट सेलर रैंक, BSR हम इसको कहते हैं। BSR क्या होता है? बेसिकली BSR ये होता है कि Amazon तमाम प्रोडक्ट्स की तमाम कैटेगरीज में रैंकिंग करता है, ठीक है। इस तरह से स्कूल में या कॉलेज में क्लासेस होती हैं और उनकी रैंकिंग होती है कि जो नंबर आपका 1 पे आ रहा है, कोई 2 पे आ रहा है, कोई 3 पे, तो जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे वो उतना ऊपर होगा, वो 1 पे होगा। फिर उसके बाद जिसके जो है कम नंबर होंगे वो नीचे होगा। तो इसी तरह से बेस्ट सेलर में भी उसी तरह से अमेजोन रैंकिंग करता है। जो टॉप पे है उसकी सेल सबसे ज्यादा है, जो नंबर 2 पे है उसकी सेल उससे कम है, जो 3 पे है उसकी कम है, ठीक है। तो ये क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, इसमें ये जो है 23rd नंबर पर है, ये उसकी मेन कैटेगरी है, मेन ट्री है। फिर उसके बाद नीचे जो है मेंस लोफर्स एंड स्लीपर्स ऑन, इसमें ये नंबर 1 पे है। तो ये सब कैटेगरी है इसकी, ठीक है। ये इसकी सब कैटेगरी होगी, ये इसकी मेन कैटेगरी होगी। तो BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, और ये आपको जो है कैटेगरीज में शो होता है, 2 कैटेगरी, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी में। फिर उसके बाद ये कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे 48,000 रेटिंग्स हैं, ठीक है, और जो है 5-star रिव्यूज हैं। फिर उसके बाद ये चीज की वीडियोस हैं और तमाम ये क्वेश्चन एंड आंसर की डिटेल्स हैं। फिर ये जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, इसमें पिक्चर रिव्यूज भी हैं, टेक्स्ट रिव्यूज भी हैं, ये सारी डिटेल्स इधर आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे वापस टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे अमेज़न जो है एड टू कार्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। और यहां से अगर मैं साइज सिलेक्ट करूं, अच्छा जी, ये देखो ये प्राइस आ गई, इसकी एग्जैक्ट प्राइस आ गई, ये डिलीवरी डेट आ गई कि ये कब पहुंचेगी प्रोडक्ट, किस एड्रेस पे आप जो पहुंचा रहे हैं, ये जो बता रहा है इन स्टॉक है इस एड्रेस के लिए। नीचे आ जाते हैं, शिप्स फ्रॉम, ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टॉक जो है वो अमेजोन के पास मौजूद है, अमेजोन के अपने वेयरहाउस के पास मौजूद है। तो ये FBA मॉडल के तहत अमेजोन ने रखा हुआ है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन मॉडल है। जो हम ड्रॉप शिपिंग में करते हैं वो होता है FBM मॉडल, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसको अमेजोन खुद शिप कर रहा है, और इसको जो सेल कर रहा है वो ये गेस्ट शूज के नाम से स्टोर है, वो सेल कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, जरा और नीचे आ जाते हैं, तो ये डिटेल्स है कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है जी। New from 49, और ये बता रहा है कि जो 23 ऑफर्स हैं जो ये लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं न्यू को। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये उन सब की लिस्ट आ रही है जो लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये लिस्ट आ रही है लोगों की, वो एक सेलर था जो हमें टॉप पे नजर आ रहा था। अब ये तमाम सेलर्स की लिस्ट है, उन 22 सेलर्स की जिनके पास ये जूता मौजूद है, ठीक है। और ये उनका नाम है, ये देखें, ये है कॉस्मो क्लब है, ये अमेजोन से बेच रहा है, FBA मॉडल है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये इसकी रेटिंग है इस सेलर की। फिर नीचे आ जाते हैं, ये 54 का एक और बंदा बेच रहा है जो है बेस्ट शूज बेस्ट के नाम से, ये भी अमेजोन से उठा के बेच रहा है, मतलब इसने भी
इन्वेंट्री अमेजोन में रखवाई है, नीचे आ जाते हैं, इसने भी इन्वेंट्री अमेजोन में रखवाई है, तो ये तकरीबन तमाम लोग अमेजोन में इन्वेंट्री रखवा के बेच रहे हैं। तो मैं इसमें लिखूंगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, तो एसएल का पता लग गया, बीएसआर का पता लग गया, सर्च का पता लग गया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का, पीडीपी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज का पता लग गया। अच्छा जी, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। जब आप कोई भी चीज जो है यहाँ पे सर्च करते हैं, बाइक शूज कर लेते हैं सर, ठीक है, तो ये जो आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ रिजल्ट, इसको हम कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है बाइक शूज फॉर मैन में 10,000 जो है टोटल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से अमेजोन आपको 48 शो कर रहा है इस पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो फिर आपको उससे अगले शो करेगा। ये देखें कि आप जो नेक्स्ट पेज पे आ गए तो ये 49 से 96 तक शो कर रहा है। तो इस चीज को हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा जी, रिव्यू तो मैंने आपको बता दिया, रेटिंग और सेलर फीडबैक क्या होता है। अच्छा जी, दो चीजें होती हैं जी, एक तो होता है कि प्रोडक्ट की रेटिंग, ये प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग क्या है, और इसको जो बेचने वाला है उसकी रेटिंग क्या है, उसको कहते हैं सेलर फीडबैक या सेलर रेटिंग, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट की रेटिंग है ये आपको ये सामने शो हो रही होती है हर प्रोडक्ट के साथ, या कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं उसमें आपको ये शो हो रही होती है टॉप पे। ये देखिए 3784 रेटिंग है, ठीक है जी इसकी। तो ये इस प्रोडक्ट की, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ये रेटिंग है। चाह रहे हैं कि इसका जो सेलर है उसकी रेटिंग क्या है, तो ये जो है ये बेच रहा है इसको केसर के नाम से, इस पे आप जो है क्लिक करेंगे इसके नाम पे। अब ये इसकी डिटेल शो हो गई इस सेलर की, ठीक है, ये इसका बिजनेस का एड्रेस हो गया, ठीक है, ये सारा शो हो रहा है, और फिर ये इसकी रेटिंग शो हो रही है, ठीक है, कि इसकी टोटल रेटिंग 3893 है जो है लाइफ टाइम में, और एक मंथ में इसको 95 जो है रेटिंग मिली है, 90 डेज में इसको 268 रेटिंग्स मिली है। तो ये सारी इसकी रेटिंग, और ये जो लोगों ने इस शॉप को या इस सेलर को ओवरऑल जो रेटिंग दी है वो इधर शो हो रही है आपको, ठीक है जी, ये आपको फीडबैक शो हो रहा है। तो फीडबैक या सेलर रेटिंग यहाँ से आप देखते हैं, ये किसी शॉप की ओवरऑल रेटिंग है, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, किसी शॉप के रिलेटेड है, कि एक जो सेलर है उसकी रेटिंग क्या है। और ये जो आपने देखा था स्टार्ट में वो है प्रोडक्ट की, ये जो शो हो रही है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, ठीक है, इस पे लोग इसको कितना रेट कर रहे हैं कि ये अच्छी प्रोडक्ट है या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय बॉक्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स मैंने आपको बता दिए थे, अभी हमने एक प्रोडक्ट खोली थी ये मैं आपको बताया था कि एक से ज्यादा लोग भी एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल में अमूमन एक या दो सेलर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। होलसेल में थोड़े से लिमिटेड नंबर के होते हैं, 5-10 इसके दरमियान होते हैं यूजली। और जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें ज्यादा होते हैं, 5 या उससे ज्यादा, जो है 10, 15, 20, 40 तक हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बंदा इसको 70 की बेच रहा है, यहाँ पे हम देख 41% से इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब अमेजोन जब मैं आया इधर तो अमेजोन ने कहा कि आप ये जो है 70.95 की इस पर्सन से ले लो, सोल सप्लाई इन सीरीज से, ठीक है, सोल सप्लाई आईएनसी से आप 70 की ले लो। उसने इन 41 को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, या इसको क्यों सिलेक्ट किया, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स रोटेशन। इस बात को हम कहते हैं बाय बॉक्स, कि अमेज़न कस्टमर को बाय डिफॉल्ट किस सेलर के पास भेज रहा है, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स, ठीक है जी। तो अमेज़न जो है ना सेलर के फीडबैक, रेटिंग, उसकी एज, उसकी सेल के, उसकी डेली मंथली कितनी सेल है उसके लिहाज से, और जो है प्रोडक्ट के लिहाज से एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है, बॉय बॉक्स को स्विच करता रहता है, चेंज करता रहता है। कि लाजमी नहीं मैं जो है पेज को रिफ्रेश करूं, हो सकता है कि ये सेलर चेंज हो जाए, अगले दफा किसी और सेलर को ये दिखा दे। तो ये बॉय बॉक्स बेसिकली ये चीज है कि अमेजोन डिसाइड करता है कि मैंने किस सेलर को बाय डिफॉल्ट कस्टमर को भेजना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट किस सेलर को मैंने कस्टमर को दिखाना है, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। तो इसकी जरूरत इसलिए होती है कि ये देखे ना, ये 41 सेलर्स हैं, तो सब तो एक टाइम में सेल नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। जिसके पास बाय बॉक्स आएगा तो अमेज़न उसको जो है ना वो सेल देगा, तो वो रोटेट करता रहता है,
मुख्तलिफ चीजों अपने एल्गोरिदम को अपने एल्गोरिदम के लिहाज से मुख्तलिफ चीजों को देखते हुए इस बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका बाय बॉक्स क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेलर आईडी। अच्छा, जिससे मैंने आपको बताया था एसिन होता है, एसिन हर हर प्रोडक्ट का हर लिस्टिंग पेज का एक यूनिक होता है। इसी तरह हर सेलर की हर शॉप की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, ये जो नाम है ना ये चेंज हो सकता है, इसको कोई भी कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसकी एक यूनिक आईडी होती है, जब इसके नाम पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जाके ये जो यूआरएल है इसके अंदर आपको ये सेलर इज इक्वल टू ये सेलर आईडी शो हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलर आईडी। ये आईडी चेंज नहीं होती है, नाम चेंज कर सकता है ऊपर से। ठीक है, ये कंपनी का नाम तो नहीं चेंज हो सकता, ये जो नाम है स्टोर का नाम ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये सेलर आईडी जो है ये बिल्कुल यूनिक रहती है, हर सेलर को एक दफा साइन होती है, चेंज नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं सेलर आईडी। लास्टली अमेज़न सेलर स्टोर फ्रंट क्या होता है, ये जब आप इस पेज पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि सेलर स्टोर फ्रंट, बेसिकली इसकी दुकान है कि आपने इसकी दुकान में तमाम प्रोडक्ट्स को देखना है तो आप यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसकी शॉप में इसकी ये प्रोडक्ट जो है ना जो है लिस्टेड है, तो इसकी तमाम लिस्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें शो होंगी। ठीक है, तो इसको हम स्टोर फ्रंट को इस तरह से, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट। नहीं, मुख्तलिफ बाद लोगों ने शॉप को ना अपने जो है वेबसाइट की तरह डिजाइन किया होता है, तो उनका जो है ना पेज अलग से शो होता है, और तरह से जिस तरह से वेबसाइट होती है ना वैसे शो होगा। इस जो है सेलर ने वो डिजाइन नहीं किया हुआ था, इस वजह से इसकी सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट शो हो रही है। हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये देखे ना, मैंने ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने साइन इन नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन टू रिसर्च टूल्स, कि रिसर्च टूल्स क्या होते हैं और इन पे हम काम क्यों करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हमें जो है प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए काम आते हैं। ठीक है, दो टूल्स हैं जो हम ड्रॉप शिपिंग में यूज करते हैं। नंबर वन पे है कीपा जी, मेनली ये यूज होता है, हीलियम थोड़ा बहुत कभी कभार आप स्पॉट के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी किसी टूल में सिर्फ ये दो टूल का। तो पहले देख लेते हैं ये हीलियम क्या है जी। अच्छा, हीलियम 10 आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा हीलियम 10, ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। ठीक है, तो मैंने इसका यूजर पास लिया हुआ है। ठीक है, शेड में आपको मिल जाते हैं ये तमाम टूल्स, दो से तीन हजार के दरमियान ये ले सकते हैं। तो मैंने ये परचेज किया हुआ, मैं इसको लॉग इन करने लगा, यूजर नेम पासवर्ड मेरा सेव है। अच्छा जी, ये मैंने हीलियम 10 को लॉगिन कर लिया है, इसकी क्रोम एक्सटेंशन है, ये कह रहा है इंस्टॉल कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, मुझे जो है क्रोम के स्टोर फ्रंट पे ले गया और इसको मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब ये क्या करता क्या है, इस काफी सारी फंक्शन है, जस्ट मैं आपको जो है वो दिखाने लगा हूं कि ये देखें, जैसे मैंने एक्सटेंशन लोड की ना तो ये देखें, ये जो है विजिट लोड हो गया यहां से, ये देखें गौर करें तो। अच्छा, ये देखें, इसका एसिन नंबर जो मैंने आपको बताया था वो दिखा रहा है, इसकी कैटेगरी दिखा रहा है मेन कैटेगरी क्या है, इसकी सब कैटेगरी दिखा रहा है, बीएसआर दिखा रहा है मेन का, सब कैटेगरी का बीएसआर दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सेलर दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स हैं, 44% इसको बेच रहे हैं और ये फुलफिल्ड बाय अमेज़न है। ठीक है जी,
अमेज़न भी इसको बेच रहा है और इसकी वेरिएशन जो है वो जो है जीरो दिखा रहा है। अच्छा इसी तरह ये जो है दूसरे सेलर की दिखा रहा है, इसी तरह ये तीसरे सेलर की दिखा रहा है, चौथे की दिखा रहा है, तमाम जो है प्रोडक्ट की दिखा रहा है। अच्छा इसके बाद अब मैंने इसकी जो है क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्सटेंशन में और ये क्रोम एक्सटेंशन इसको मैं जो है पिन कर देता हूँ, ये आ गई बाहर। अब मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इसकी एक्सरे एक्सटेंशन चला, अच्छा जी अब ये बता रहा है कि इस पेज के ऊपर जो है टोटल रेवेन्यू वो इतना है, एवरेज रेवेन्यू इतना है, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो दिखा रहा है जी, ये प्रोडक्ट है, ये स्कैसिन है, ये ब्रांड है मैं एडिडस, इसकी प्राइस ये है, सेल्स इसकी जो मंथली आ रही है वो इतनी है, ठीक है, इसका मंथली जो रेवेन्यू है तमाम सेलर्स का वो ये बता रहा है कि इतना है। आगे चलते हैं, बी एस आर बता रहा है इस प्रोडक्ट का कितना है, फीस कितनी है अमेजोन की, एफ बी ए फीस अगर आप इसका एफ बी ए करते हैं तो, ठीक है, एक्टिव सेलर्स बता रहा है कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, रेटिंग्स बता रहा है, रिव्यू भी उसने बता दी, लिस्ट बना के पूरी इमेज बता दिए कितने हैं, रिव्यू वेलोसिटी बता दी कितनी है, बॉय बॉक्स किसके पास है, बॉय बॉक्स अभी मैंने आपको बताया कि जो है क्या होता है, ये बता रहा है कि कौन से सेलर के पास यहाँ पे बॉय बॉक्स है। आगे चलते हैं, ये कैटेगरी बता रहा है कौन सी कैटेगरी में, टी एफ साइज बता रहा है कि इसका साइज क्या है, फुलफिलमेंट बता रहे हैं अमेजोन एफ बी ए है, एफ बी एम है, ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशन बता रहे हैं, वेट बता रहे हैं, ठीक है जी, क्रिएशन डेट बता रहे हैं और सेलर का कंट्री बता रहे हैं कि ये कहाँ से बेच रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डेट बता रहे हैं। अच्छा जी ये प्रोडक्ट का टूल जो है ना हमारा, ये एलियम बाथकॉम का टूल है, ये हमारा होलसेल में भी यूज होता है, ये प्राइवेट लेबल में भी यूज होता है, ये हमारा ड्रॉप शिपिंग में भी यूज होता है। बेसिक इसका फंक्शन है डाटा देना, ये आपको सेल्स बता रहा है मतलब आपको सेल्स नहीं बताता, ठीक है जी, कंपैरिजन ही तो बता रहा है सेलर का, कंपैरिजन नहीं नहीं जो सेलर का कंपैरिजन नहीं बताता, ये बता रहा है आपको इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, ये शू जो है एक मंथ में कितना सेल हो रहा है ये बता रहा है, ठीक है, बाकी जो है तमाम डाटा को भी रिस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसके और भी जो है काफी सारे फंक्शन है, यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू दूं, इसमें आप प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं और इसमें आप जो है ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं, जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसके जो है काफी सारे फंक्शन अभी हम बेसिक पे हैं तो मैं उन्हीं पे बात करूंगा जो हमारे काम के हैं, ठीक है। अच्छा जी तो ये जो है ना इस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया और इसको चलाया, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है कि कीप अप, कीप अप लिखेंगे, ठीक है, कीप अप क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, देखिए ऐड टू क्रोम, अच्छा मैं जरा किसी और प्रोडक्ट पे जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस काम का है, बेस्ट सेलर पे मैं चला गया और एक कोई प्रोडक्ट में उठा दूँ, ये वाटर वाइप्स को मैं देखता हूँ। अच्छा जी अब ये है डिफॉल्ट पेज, ठीक है, जब मैंने इसमें कीपा ऐड किया और कीपा को मैंने यहाँ से पिन कर दिया, अब ये ग्राफ जो है ये कीपा ने ऐड कर दिया, ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है कि तीन मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट की प्राइस की ट्रैकिंग बता रहा है, ये पहले इसकी जो प्राइस ये फरवरी में थी 11, फिर उसके बाद मार्च में हो गई 8, फिर उसके बाद इसकी जो है प्राइस हो गई 10, ठीक है, तो फिर इसके बाद ये अब है 12.93 पर, तो ये बता रहा है आपको प्राइस। अब इसमें तमाम ये जो है अमेजोन की प्राइस देखना चाहे, न्यू भी देखना चाहे, सेल्स जो है रैंक की हिस्ट्री बता रहा होता है आपको, अच्छा ये कह रहा है कि लॉगिन करें, तो मेरे पास इसका लॉगिन है, ये भी मैंने परचेज किया हुआ है साथ में, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी तो ये इसकी जो है ना तमाम डिटेल्स की लिस्ट प्राइस क्या है, एफबीएम जो है, एफबीएम यानी कि नए सेलर जो है थर्ड पार्टी सेलर्स, ये आप देखें इसने जो है तमाम डाटा सेव किया हुआ है कि ये सेलर आया इस प्राइस पे, उसकी हिस्ट्री ये आपको जो है नजर आ रहा है ब्लू बुक पे, डॉट्स से नजर आ रहा है ऊपर, ये देखें यहाँ पे मेरा माउस कर्सर है,
है ना, तो ये बता रहा है इस दौरान ये सेलर्स इस पे आ रहे हैं। अगर एफ बी ए पे क्लिक करेंगे तो एफ बी ए सेलर्स दिखा रहा है आपको, ये देखें ये रेड वाले ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एफ बी ए सेलर्स की तमाम लिस्ट बता रहा है। बाय बॉक्स किसके पास था वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं आप, ये देखें मैं जैसे बाकी डाटा जरा कैप कर, ये देखें ये बाय बॉक्स जो है किस प्राइस पे मिलता रहा है, ये उसकी तमाम हिस्ट्री है। और ये सिर्फ कीमत की नहीं है, आप इसको डेली भी देख सकते हैं, आप इसको वीकली भी देख सकते हैं, आप इसको ऑल टाइम भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं, ऑल टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट 2018 से स्टार्ट हुआ, उस वक्त से ये ट्रैक होना शुरू हुआ, तो ये इसका फायदा है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, तो ये एक जो है ये वन ऑफ द फंक्शंस है, यूज है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर जाते हैं keeper.com पे, keeper.com पे जाते हैं, ठीक है, ये लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे हम ये जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये डाटा में जाते हैं, प्रोडक्ट फाइंडर, तो ये जो है हम जो इसके मुख्तलिफ जो है पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है, कितने सेलर्स हैं, कितनी प्राइस हो, कितना बी एस आर हो, तमाम डिटेल्स। अभी मैं इंडेक्स में जाऊंगा जब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करेंगे, तो फिर हम उसको यूज करेंगे। तो ये दो जो है रिसर्च टूल्स हैं, आपको ये शेयर्ड में 2 से 3 हज़ार में शेयर्ड में मिल जाते हैं। अगर आप इसको इंडिविजुअली परचेज करेंगे तो ये $100 का ये है, और ये आई थिंक $20-30 का है, तो $130 पर मंथ आपको, अगर आपने इसको एक्सक्लूसिव बाय करना और शेयर में बाय करेंगे तो 2 से 3 हज़ार। तो ये एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया, इनसे थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया दोनों का, बाकी मजीद जो है हम इस पर चलेंगे जब प्रोडक्ट रिसर्च पे नेक्स्ट क्लास जब हमारी कल होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट में मैंने आपसे जो है ना मॉडल डिस्कस किए थे, ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेवल है, आपकी होलसेल है, तो हम जरा थोड़ी सी एग्जांपल दे देते हैं कि होलसेल वाली प्रोडक्ट्स जो है कैसी होती हैं, ड्रॉप शिपिंग वाली कैसी होती हैं और प्राइवेट लेवल वाली कैसी होती हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हैं, तो मैं आपको जरा कंपेरिजन करवाता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट और प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट में क्या फर्क है। amazon.com/dp और स्लैश डाल के एसएन आप पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आप जो है डायरेक्ट इस एसएन पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है। अब ये है ब्रांड अबीज़ का, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, इसके बाद ओपन कर लेते हैं। amazon.com/dp/ ये है फीजी। अब हम चलते हैं जी जैसे प्राइवेट लेवल की दो प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये दो जो प्रोडक्ट्स है ना, ये है ड्रॉप शिपिंग की, ये दो है प्राइवेट लेबल की। जरा मैं आपको जरा कंपैरिजन करवा दूं क्या फर्क क्या होता है। ये देखिए 18 सेलर्स है इस ब्रांड पे, इस ब्रांड पे इस प्रोडक्ट पे 61 सेलर्स है, 61 सेलर्स है इसके ऊपर, ठीक है। ये थी आपकी ड्रॉप शिपिंग की, ये है आपकी प्राइवेट लेबल की, देखिए कोई भी सेलर नहीं हो आप, सिर्फ एक बंदा है ये जो है वल्को हीरो, ठीक है, ये वॉक हीरो के नाम से एक सेलर है, ये सेल कर रहा है सिर्फ। अच्छा ये देखें, ये प्राइवेट लेबल की है, ये भी दूसरी, इसका सेलर है ये कोकिया यूएसए के नाम से एक सेलर है, ठीक है, तो और कोई सेलर नहीं है, जबकि ये आपने देखा था ड्रॉप शिपिंग में 18 सेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, और ये 61 सेलर्स। अच्छा पर मजीद डिक डाउन करते हैं होलसेल की, एक दो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, एक ही था फंक्शन है। अच्छा जी,
साइज सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये देखें चार सेलर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सेलर्स पर क्लिक किया, आपने जो है पैटर्न नोट करना है कि क्या फर्क क्या है इसमें। ये होलसेल है, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग है, ये होलसेल को देखें। शिप्स फ्रॉम अमेजन, शिप्स फ्रॉम अमेजन, ठीक है। और ships from Amazon, sold by Amazon, तो सारे Amazon से ship हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये आपका था drop shipping, इसमें देखें ships from ये private जो है seller है, ships from ये private seller है, ships from ये private seller है, ठीक है। ये FBM है सारे, ये सारे के सारे FBM है आपके। दूसरा ये देखें कि ये देखें इसमें जो आपका private level, इसमें नए बंदे भी sell कर रहे हैं एक rating के साथ, थोड़े से पुराने छह रेटिंग के साथ, उससे पुराना ये नौ रेटिंग के साथ, फिर एक रेटिंग, फिर बहुत ज्यादा रेटिंग वाला है, फिर जो है दरमियानी रेटिंग वाला है, फिर उससे दरमियानी रेटिंग, यानी कि मिक्स है, हाई रेटिंग वाले भी हैं और ये जो है लो रेटिंग वाले भी, और मोस्टली एफबीएम कर रहे हैं, जबकि ये थोड़े से सेलर है इसमें और सारे एफबीए कर रहे हैं, ठीक। तो ये है आपका होलसेल, ये था प्राइवेट लेवल, इसमें एक ही सेलर होल सेल कर रहा होता है। जब आप इसकी शॉप पे जाएंगे, ये इसकी शॉप, इसको मैं स्टोर फ्रंट ओपन करता हूँ। अब इसका भी किसी सेलर का स्टोर फ्रंट ओपन कर लेते हैं, जिसके पास जो है बाय बॉक्स है उसी की कर लेते हैं, अगर अमेजोन नहीं है तो नहीं कर अमेजोन है। इसकी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरा हमारा ये था, ये था, अच्छा इसकी प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं, ये प्राइवेट लेवल था, ठीक है। एक दो तीन चार, चार ब्रांड है इसके पास, ठीक है, इस सेलर के पास, इस सेलर के पास देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो मोस्टली बल्कि और भी हो गए लोड। तो जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांड को लिस्ट करते हैं, एक ब्रांड नहीं होता उनके पास, आपका प्राइवेट लेबल है या होलसेल, उसके पास दो चार ब्रांड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होता। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और जो है डिफरेंस बता दिया कि होलसेल और प्राइवेट लेबल में क्या फर्क। नेक्स्ट अब हमने कल जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स के ऊपर बात करनी है, स्टार्ट करनी है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करनी है। तो जिन लोगों ने टूल्स लेने हैं, परचेज करने हैं, परचेज कर लें, उनके पास ऑलरेडी है, तो वो जो है रेडी हो जाए, तो कल से हम जो है रिसर्च मेथड्स पे बात करेंगे। अभी तक जो हमने जो है पढ़ा है इसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, लाइट ऑन कर दीजिए। जी ठीक जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, जरा क्वेश्चन रिपीट करें। अमेज़न पाकिस्तान में एज ए सेलर आप काम कर सकते हैं, अलाउड है। हाँ जी, देखिए हम जो है बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग आपको इन्वेंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, ये जो है इसकी प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिल रही है चीप सस्ती, आपने वो लिस्ट कर दी। जब ऑर्डर आएगा आपने उसी ब्रांड को जो आपने सोर्स फाइंड किया था वहां पे आपने ऑर्डर प्लेस कर देना, ठीक है, डायरेक्टली वो उसको उधर शिप कर, आपको कौन सा पाकिस्तान उसको मंगवाने की जरूरत है या भेजने की जरूरत है। नहीं नहीं, क्यों बंद कर देता है ये, आपको किसने कहा, क्यों बंद कर देगा, देखें देखें दो चीजें हैं, आप जो है ना वो प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग को मिक्स कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल में आप एक चीज मंगवाते हैं, अमेजोन के द्वारा उसमें जाती है, उस पर जो है बार कोड्स लगते हैं, उस पर अमेजोन की पैकिंग होती है, फिर उसके बाद अमेजोन उनको खुद जो है वो पिक पैक शिप करता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहाँ पे चीज आपको सस्ती मिल रही है,
आपने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर आपके पास आएगा, आपके पास कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी, आपने डायरेक्ट शिप करवा दिया सेलर से, ठीक है, तो कस्टमर को, तो उसमें अमेजोन को वो चीज नहीं आती। हाँ, अगर उसमें कुछ जो है वो चीजें अमेजोन ने बैन की हुई हैं, ठीक है, मतलब कि आप ईबे की जो है पैकिंग या वॉलमार्ट की पैकिंग या कॉस्को की पैकिंग, किसी भी कंपेटिटर की पैकिंग, इसमें ये शो हो कि ये किसी और सेलर की प्रोडक्ट है, वो अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको इशू होगा। अगर आप सेलर ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है, तो फिर आपको इशू नहीं। अमेजोन ये कहता है कि आप जब ड्रॉप शिपिंग करें तो आप सेलर ऑन द रिकॉर्ड हो, आपको जो चीजें जो है रिटर्न आए, जो वापस आए, उनको आप हैंडल करें, ठीक है, ये अमेजोन की पॉलिसी है। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि वो छोड़ देते हैं हम लोग, उसमें ऐसा होता है कि जब रिटर्न आता है हम कस्टमर जो है ना वो सब आप जो बायर उसको कहते हैं आप ये भी रख लें और जो है पैसे भी वापस करें, रेशियो जो है ना वो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपके सारे रिटर्न आएंगे, 100 में से एक दो आते हैं। अगर आता है ऐसे इस तरह का कोई इशू है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि जहां से आपने ली है किसी अच्छे सप्लायर से तो उसको भिजवा दें वापस, वो ले लेते हैं, वो नहीं लेते तो फिर थोड़ा सा उसको करना पड़ता है, हम उसको कहते हैं ठीक है आप इसको जो है ना ये पैसे भी रखें और प्रोडक्ट भी रखें, वो जो है कस्टमर आपका ज्यादा खुश होता है। देखिए वो भी तो अगर वो सेल कर रहे हैं उन्होंने जो है आपका जो सप्लायर है उसके जो ओरिजिनल कस्टमर्स हैं वो भी तो रिटर्न करते हैं ना, फिर क्या ना वो भी वजह होगी उसकी वजह से रिटर्न करते हैं, तो उन्होंने वो सिस्टम बनाया होता है, यूजली वो रूल्स होते हैं, उनका कोई सेट होता है कि अगर आपने रिटर्न करना है तो इन रूल्स की जो है बिना के ऊपर आप कर सकते हैं। सॉरी रेटिंग आपकी वो तो आपके जो है सेलर अकाउंट की जो है रेटिंग उसमें रेट होती है कि जब आप कस्टमर की बात नहीं मानते, कस्टमर ने आपको कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, आप रोक के बैठ जाते हैं, या कुछ चीज ऐसी आती है एक की बजाय दो आ गई, मतलब कि दो की बजाय एक आ गई, तो इस तरह कोई अगर है चक्कर है तो फिर होती है, वो भी अमूमन अगर जो है रिव्यू होता है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड तो वो रिमूव हो जाती है रेटिंग में। और अगर आपकी शॉप से मतलब लिखे, देखें अगर आप जो है कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो फिर आपको रेटिंग नेगेटिव नहीं आती, अगर आप लोगों को जो है खुश नहीं रख रहे तो फिर आपको नेगेटिव रेटिंग आएगी, कोई नहीं रोक सकता। जी, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो जो मैसेज करता है कस्टमर उसका रिप्लाई होना चाहिए। जी, और कोई क्वेश्चन? थर्ड पार्टी ही करें, स्टार्ट तो वो थर्ड पार्टी से लें, ए टू ए करें, लेकिन ए टू में अमेज़न की ट्रैकिंग डालनी, ठीक है, लेकिन ये जो है बात की चीजें अभी हम सिर्फ वो टॉपिक से रिलेटेड, जब हम आगे जाएंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन करें, इस तरह का क्वेश्चन जो भी आगे फिर हम लेंगे, तो अगर अब जो है इधर चले जाएंगे तो फिर जो है बाकी लोग वो पीछे रह जाएंगे। जी, और कोई नहीं? जी जी बिल्कुल, वो भी चल सकता। सॉरी, नहीं 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 जरूरी नहीं है, जी ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जो है तो रिसर्च करें तो बेशक करें, लेकिन वो टूल्स हो आपके पास ताकि कल मैं आपको वो जो है एंटी का मेथड बताऊं तो हाँ जी बिल्कुल जो है नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, बाकी तो ये चीज़ें बेसिक से हम लेके चले ताकि तमाम लोग जो हैं इससे बेनिफिट ले सकें। चलिए।